आज हमने सोचा क्यों ना ईद की शॉपिंग कर ली जाए। इसके लिए सबसे पहले मैं गई मेट्रो, क्योंकि वहां से मुझे करनी थी कुछ ग्रोसरी और वो बहुत अहम थी। तो मेट्रो के अंदर ज्यादातर आपको सामान नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है, बट फिर भी क्योंकि ये स्टोर जो है काफी यहाँ पे रश कम होता है और पार्किंग इजिली मिल जाती है, तो मैं इस स्टोर को प्रेफरेंस देती हूँ। खैर जी, हम यहाँ मेट्रो पहुंच गए और यहाँ से हमने कार की अपनी पार्क और हम गए ग्रोसरी करने के लिए। और इधर ये मैं बिल्कुल नो मेकअप लुक के अंदर, क्योंकि जब ग्रोसरी करनी हो या शॉपिंग करनी हो तो मैं बिल्कुल भी मेकअप कर नहीं जाती। वैसे इतनी ख्वारी उठानी होती है तो अब मेकअप भी करेंगे क्या। और वही हुआ जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मौजूद नहीं था। खैर जो मिला वो हमने ले लिया और उसके बाद हम निकल पड़े यहाँ से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट था लकी वन, वहाँ से हमें कपड़े खरीदने थे। ये है जौहर चुरंगी का अंडरपास, जो कि लोग जानते हैं कि कितना ख़राब बना हुआ है। ऐसे लगता है जैसे कि गढ़ों के ऊपर गाड़ी दौड़ाए चली जा रही है। इसकी आवाज़ में आपको जरूर सुनाई पहली, आई डोंट नो किस इंजीनियर का कमाल है। खैर अब हम यहाँ पहुँचे हैं लकी वन, और लकी वन में हमने B1 के अंदर पार्किंग की थी। एंड में बताती हूँ हमारे साथ सीन क्या हुआ। मैंने डिफरेंट आउटलेट्स चेक किए भाई, वहाँ पे कपड़े इतने एक्सपेंसिव थे, इतने एक्सपेंसिव के आधे महीने की तो ग्रोसरी आ जाए उस एक सूट के अंदर। तो मैंने कहा चलो जुलबरी विजिट कर लेते हैं, ये अफोर्डेबल प्राइजेस यहाँ होते हैं। बट प्राइजेस तो सही थे पर डिज़ाइंस बहुत ही फारिक थे, इतने फजूल डिज़ाइंस यहाँ पे उन्होंने हैंग किए हुए थे। और उन्हें पता था कि ये सब सेल हो जाएंगे और लिटरली सब कुछ यहाँ बिक गया था, और डिज़ाइन साइजेस यहाँ नहीं मिल रहे थे, और रश देखें आप ज़रा बिलिंग काउंटर पे किस कदर मौजूद है। बट आई लव देयर फ्रेगरेंसेस, हाईली अफोर्डेबल एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग। स्पेशली आई लव देयर विमेन कलेक्शन, तो अगर आपको ट्राई आउट करना है तो इनकी परफ्यूम रेंज जो है वो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। मैंने एक परफ्यूम भी लिया था, ये पिंक वाला। निशात में भी काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस थे, और यहाँ पे मुझे एक ड्रेस मुझे पसंद आया था जो मुझे गिफ्ट करना था, वो मैंने लिया। और जब ड्रेस काउंटर से ले लिए तो कहते हैं शॉपिंग बैग आपको खरीदना है, मैंने कहा नहीं भाई हमारे पास थैले हैं हम उनमें डाल लेंगे। मैंने उनसे लिया और अपने बैग में डाल लिया। भाई इतना महंगा ड्रेस खरीद कर एक थैला भी नहीं दोगे भाई, नहीं वो भी आप इनसे खरीदें। फिर हमने B1 में पार्किंग की थी, पर हम B2 में आधा घंटा देखते रहे कि हमारी कार कहाँ है। इंशाल्लाह से आधा घंटा ख्वार होने के बाद हमें हमारी B1 से ही कार मिली और हम घर को वापस आ गए।